मनोरंजन की दुनिया में जोड़ियां बनना आम बात है। कई बार देखने के लिए मिला है कि सीरियल के सेट पर सेलेब्स को अपने को स्टार से प्यार हो जाता है, जिस वजह से स्टार कपल अपने अफेयर के लिए लाइमलाइट बटोरते हैं। लेकिन कई बार इंडस्ट्री की ऑन स्क्रीन जोड़ियां या फिर खास दोस्त भी अफेयर की फेक न्यूज की वजह से चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं। अब तक टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियां बनी हैं जो रियल लाइफ में अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन फैंस उन्हें कपल मान बैठे थे। इस वजह से सोशल मीडिया पर काफी बवाल खड़ा हो जाता है। तो आइए आपको ऐसी ही जोड़ियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुंबुल तौकीर खान और फहमान खान की। बता दें, सुंबुल तौकीर खान और फहमान खान इन दिनों अपनी बॉन्डिंग की वजह से चर्चा में हैं। दोनों सीरियल इमली में कपल के तौर पर नजर आए। दोनों की केमिस्ट्री को देखकर फैंस मानने लगे हैं कि सुंबुल और फहमान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो वहीं दूसरा नाम आता है प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता का। तो बता दें, प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता का नाम भी एक साथ जोड़ा जाता है। दोनों की जोड़ी सीरियल उडारिया में नजर आई। इसके बाद दोनों साथ में बिग बॉस 16 में भी दिखे और वहीं से फैंस ने दोनों को एक कपल के रूप में देखना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं शिव ठाकरे और निमृत कौर आलूवालिया की। तो इन दोनों की दोस्ती बिग बॉस 16 के घर से ही शुरू हुई थी। शो के आखिरी दिनों में कुछ ऐसे पल देखने के लिए मिले जब शिव और निमृत एक साथ ही बैठे दिखते थे। फैंस का मानना था कि जल्द ही दोनों के बीच कुछ शुरू हो सकता है। और अब बात करते हैं हर्षल चोपड़ा और प्रणाली राठौर की। तो बता दें, ये दोनों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ रहे हैं। दोनों टीवी की हिट जोड़ी होने के साथ साथ खास दोस्त भी हैं। एक समय पर फैंस दोनों को कपल मानने लगे थे। ऐसे में प्रणाली और हर्षद को सामने आकर अपने रिलेशन की फेक खबरों पर चुप्पी तोड़नी पड़ी। और इसी बीच रसीम देसाई और उमर रियाज को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई बातें हुई थी। बता दें, रसीम देसाई और उमर रियाज किसी प्रोजेक्ट में साथ नजर नहीं आए, लेकिन दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड देखने को मिला। इसके बाद दोनों को बिग बॉस में साथ देखा गया। दावा है कि शो के दौरान उमर और रसीम के बीच कुछ पक रहा था, लेकिन ये सिर्फ अफवाह साबित हुई। तो आपके इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।